हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। मैं चंदन कुमार और आज आपके चैनल में मेहमान है विष्णु पाठक, जो कि मैथिली फिल्म लव यू दुल्हन के प्रोड्यूसर है। तो उनका परिचय हम लेते हैं। मैं विष्णु पाठक और मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं बिहार डेलीगेशन के समस्त टीम को, आपके चैनल को और आपको। तो मैथिली फिल्म के बारे में हम इनसे जानेंगे कि मैथिली फिल्म करने का आइडिया क्या, कैसे आया इनको, और मैथिली फिल्म जो इन्होंने बनाया है उसमें क्या कुछ कहानी है, कौन से कलाकार हैं, तो ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूँ विष्णु पाठक जी के पास, जो कि हमारे आज के मेहमान है। सर, आपको ये मैथिली फिल्म करने का आइडिया कैसे आया? देखिए, फिल्म करने का आइडिया आया कि फिल्म कुछ हम लोग नीचे से आए, हम लोग बहुत काम किए और हर क्षेत्र में जगह जगह कार्यक्रम में जाते थे और देश की अनेक भाषाओं में फिल्में हैं और काफी अच्छी पोजीशन में स्थापित फिल्में हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैथिली के भी फिल्म इंडस्ट्री हो, मैथिली के लिए भी उम्दा काम हो। इसके लिए हमने प्रयास किया कि मैथिली सिनेमा सिनेमा की तरह बने। वैसे बहुत से सिनेमा बने हैं और भी कई लोग प्रयासरत रहे हैं, कई सिनेमा बनी है, कई सिनेमा चली भी है, और हमने भी एक अभी के हिसाब से, अभी जो जमाना है, अभी के युग के हिसाब से जो पिक्चर में होना चाहिए ऐसा हमने मॉडरेट करके एक अच्छी पिक्चर बनाने का प्रयास किया है। अब देखिए, जैसा कि पाठक जी ने आपको बताया कि मैथिली फिल्म जो है कोई नई नहीं है, वैसे हमारे पास जो जानकारी उसके अनुसार से बता दूं कि मैथिली फिल्म की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कन्यादान फिल्म से, जो कि हरी मोहन झा जी के नोबेल के ऊपर था। उसके बाद एक के बाद एक लगातार कई सारे मैथिली फिल्म आए, जैसे कि ममता गावे गीत 1984 में आई थी, इसके अलावा सस्ता जिंदगी, महंगा सिंदूर, और एक सबसे जबरदस्त बेहतरीन फिल्म जो हिट हुई थी वो हुआ था आपका कखन हरब दो खमार, जो कि प्रसिद्ध मैथिली कवि और मिथिला के विद्वान विद्यापति जी के ऊपर था। तो इसमें जो मुख्य किरदार थे फूल सिंह, उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया था। इसके बाद धीरे धीरे मैथिली में और कई सारी छोटी छोटी फिल्में भी आई, जैसे गरीब की बेटी, माय का प्यार। उसके बाद एकदम से 2000 ईस्वी के बाद जो मैथिली फिल्म का लगाव था वो धीरे धीरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म निर्मातों से घटता गया। उसके 2000 के बाद फिर से मैथिली फिल्म में रुचि जगी है और मैथिली फिल्म लव यू दुल्हन को लेके आए हैं प्रोड्यूसर विष्णु पाठक जी, और इनके साथ जो डायरेक्टर है वो मनोज श्रीपति जी है। साथ ही फिल्म में और भी कलाकार है, जैसे कि विकास झा बीजे, जो कि एक मैथिली के काफी हिट गायक है। इसके अलावा और भी फिल्म में कलाकार आपको मिलेंगे, इनु श्री हीरोइन के मुख्य भूमिका में, वही प्रतिभा पांडे जी भी है। तो कश्यप है, आलोक है जो सिंगर थे, आलोक कुमार भी हैं, आलोक कुमार सुर संग्राम के भोजपुरी एक्टर हैं और वो भी मिथिलांचल के हैं, एक्चुअली वहां के हैं लखीसराय के, तो मैथिली भाषी है, एक वो भी है, एक विकास जी हैं, दोनों सिंगर हैं और दोनों का अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम है। सर, अब मैं इस फिल्म के जो मुद्दे के बारे में जानना चाहूंगा कि ये फिल्म बेसिकली कौन से मुद्दे और कौन सी स्टोरी लेके बनाई, इसके बारे में कुछ जानकारी आप बताना चाहें। देखिए, इसमें बेसिक चीज है जो उत्तर बिहार का, मिथिलांचल ही नहीं पूरे उत्तर बिहार का एक विभिषिका है बाढ़, और बाढ़ आने के बाद जो सामाजिक विभिषिका होता है, जो सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसको हमने फिल्म में जो भी समेट सकता था समेटने का कोशिश किया है। तो फिल्म का जो मुख्य स्टोरी था वो बाढ़ के ऊपर रिलेटेड है और उससे जो पॉलिटिकल वेंडेटा क्रिएट होता है बाढ़ के बाद, किस तरह से राजनीतिक और सामाजिक दोनों का बिखराव और परिवार का बनाव कैसे होता है, वो आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा पर्दे पे। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा हम लोगों ने किया है उसमें। और सर, जैसे फिल्म में लोगों को जो है, दर्शक उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है, भरपूर एंटरटेनमेंट। आपको एक चीज का मैं कहता हूं कि आपने कहा कि 2000 के बाद सिनेमा, 2000 के बाद बहुत से सिनेमा बना, हमने भी डमरू उस्ताद बनाया था, बहुत से सिनेमा बना है और अच्छी भी सिनेमा बनी है, लेकिन हमने इसमें भरपूर जो आधुनिक जो सिनेमा में जो होना चाहिए, जो आप हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा या अन्य सिनेमा देखने जाते हैं, जो आपको आधुनिकता उसमें नजर आता है वो आधुनिकता भी इसमें नजर आएगा। हमने इसके गाने आपको बेहतर लगेंगे,
इसमें सब तरह के गाने हैं, जो लोग गजल सुनना चाहते हैं वो गजल सुनेंगे, जो लोग आधुनिक गाना डीजे सॉन्ग सुनना है उनको डीजे सॉन्ग मिलेगा, हर तरह के गाने हैं, गांव का जो है सो गाय भी है, हर चीज है सिनेमा में, आपको गांव से लेकर शहर तक का झलक देखने को मिलेगा। सर एक इस फिल्म में एक मुजरा टाइप का सॉन्ग है, तो ये ऐसे आवाज से लग रहा था कल्पना पटवारी जी ने गाया। जी जी, कल्पना पटवारी जी ने गाया है, और संगीत धनंजय मिश्रा जो कि भोजपुरी के काफी मशहूर संगीत निर्देशक हैं, उनका संगीत है पूरे फिल्म में। तो दर्शकों आपके लिए जो फिल्म है पूरा पैसा वसूल होने वाला है, तो ये फिल्म कब से रिलीज हो रही है और किन किन लोकेशनों पे हो रही है इसकी भी जानकारी हम इनसे लेते हैं। देखिए पहली बार आपको बता दूं कि अमूमन और भी कई किसी भाषा के सिनेमा जो रीजनल बिहार की भाषा है, भोजपुरी हो मैथिली हो, पीवीआर में मल्टीप्लेक्स में नहीं लगता है। तो हम लोग अभी पहले 18 तारीख को, जो अभी आने वाला 18 अक्टूबर है, 18 तारीख को हम लोग पीवीआर में रिलीज कर रहे हैं दिल्ली में, उसके बाद कलकत्ता और बाकी शहरों में सिनेमा लगेगा, और नवंबर में संभवतः बिहार के सिनेमाघर में सिनेमा आपको देखने को मिलेगा। सर दर्शकों को अगर फिल्म की टिकट बुक करनी हो तो इसके लिए कुछ मदद कर देंगे आप? हाँ, अभी जो है सो बुक माई शो पे भी जारी है टिकट, और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, बुक माई शो पे विकासपुरी पीवीआर और प्रशांत बिहार पीवीआर दो सिनेमा का जारी है, 18 तारीख से 103 से 6, 18, 19, 20 दोनों हॉल में चलेगा, और जो जिनको उसमें दिक्कत है वो हमसे संपर्क करें, हम टिकट उपलब्ध कराएंगे। सर आप जो भी दर्शक मैथिली फिल्म लव यू दुल्हन के लिए टिकट परचेज करना चाहते हैं तो वो प्रोड्यूसर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टिकट का लिंक होगा वो भी अवेलेबल होगा। एक बार मैं प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा कि वो अपना मोबाइल नंबर जो उस पे टिकट के लिए संपर्क किया है वो भी बता दे। हाँ, मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 9212463019, और एक और पेटीएम का है और उसका है 9811235637। तो ये नंबर आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आता है तो मैं इस फिल्म के और भी जो कलाकार है उनका भी इंटरव्यू फिल्म के रिलीज के साथ ही लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार, धन्यवाद।